सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे जीपी दिया हुआ है ना जी, ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे रूट टू वन बाई रूट टू प्लस वन बाई टू रूट टू ऐसे करके कहाँ तक कह रहा है कि एट टर्म्स तक का यहाँ पर सम निकालना है। चलिए तो हम लोग इसका देख लेते हैं, पहले क्या है फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि ए का वैल्यू है रूट टू। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई रूट टू और बाई में रूट टू, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा यहाँ पे वन बाई टू। अच्छा और नंबर ऑफ टर्म भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एट है, तो हमें इन सब का सम निकालना है। तो देखो वन बाई टू क्या है, वन से लेस देन है, तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं ना जी, ए इंटू में वन माइनस आर का पावर एन बाई में वन माइनस आर जब आर वन से लेस देन होता। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं सम ऑफ एट टर्म्स निकालना है, ए का वैल्यू कितना है रूट टू है, ए का वैल्यू रूट टू है और इंटू में वन माइनस आर का वैल्यू वन बाई टू है, पावर में है एट बाई में नीचे वन माइनस वन बाई टू। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, रूट टू यहाँ वन माइनस वन बाई टू का पावर एट करोगे ना टू का पावर एट, तो ये 256 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और बाई में नीचे एलसीएम लेके सब ट्रेक करेंगे यहाँ पर टू माइनस वन है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू रूट टू इंटू वन माइनस वन बाई 256, नीचे तो ये वन हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत तो नहीं थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टू रूट टू अंदर हो जाएगा एलसीएम 256, तो आ जाएगा 256 और माइनस का वन। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे कटेगा क्या, टू से इसको काट देते हैं 128 टाइम्स में, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर 255 रूट टू बाई में 128, ये आपका सम आ गया, समझ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर।